हेलो दोस्तों, मैं हाजिर हूं फिर से आपके साथ, आपके अपने यूट्यूब चैनल लास्ट बॉय के साथ। दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लास्ट बॉय। इस चैनल पर अब रेगुलर व्यापम सामान्य विज्ञान वीडियो सीरीज प्रसारित की जा रही है। हमारे आने वाले सभी वीडियो देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें ताकि एक भी वीडियो मिस ना हो, और वीडियो पसंद आए तो इसे सभी दोस्तों को शेयर करके हमारा मनोबल बढ़ाएं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं व्यापम सामान्य विज्ञान भाग 3। पेड़ों और झाड़ियों पर बढ़ती अमरबेल किसका उदाहरण है? परजीवी। प्रज्वलन तापमान क्या है? न्यूनतम तापमान जिस पर एक पदार्थ अग्नि पकड़ लेता है। दो विभिन्न जीवों में संबंध एक साथ रहते हैं जो और परस्पर लाभान्वित होते हैं, सहजीवी संबंध, लाइकेन और सेवाल। जब तांबा धातु के कुछ टुकड़ों को एक बीकर में जिसमें तनुकृत सल्फ्यूरिक अम्ल है डाल दिया जाए तब क्या होगा? कोई भी अभिक्रिया नहीं होगी। एक लोहार एक उपकरण बनाने के दौरान लोहे के गर्म टुकड़ों को घन से पीटता है। धनाताड़न के कारण बल का प्रभाव है आकार में परिवर्तन। निम्न में से कौन अपशिष्ट जलोपचार उत्पाद है? गोबर गैस एवं मल दोनों। एक से अधिक कोशिका से बने जीवों को कहते हैं बहुकोशी जीव। कोशिका की खोज के दौरान रॉबर्ट हुक ने आवर्धक युक्ति के तहत किस पदार्थ को पहले प्रक्षेपित किया? कार्क के पतले भाग। रेशम मात के निम्न में से कौन से चरण में रेशम प्राप्त होता है? प्यूपा। सभी जीवन रूपों की मूल संरचनात्मक प्रकार्य इकाई है कोशिका। कमरे में जलते हुए कोयले के साथ सोना क्यों उचित नहीं है? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का निर्माण हो सकता है जो यदि निश्वास की जाए तो बहुत विषैली पाई जाती है। निम्न में से कौन वास्तविक प्रतिबिंब बनाने में प्रयोग लाया जा सकता है? एकमात्र अवतल दर्पण। पृथ्वी पर मनुष्य द्वारा लगाया गया दाब न्यूनतम होता है जब वह जमीन पर सोता है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत, लीवर। उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसमें ऑक्सीजन उत्सर्जित होती है और कार्बन डाइऑक्साइड का उपभोग होता है, प्रकाश संश्लेषण। एक विद्युत चुंबक की क्षमता इस पर निर्भर करती है कुंडली से गुजरने वाली विद्युत धारा एवं क्रोड में चारों ओर उपस्थित कुंडलियों की संख्या पर। प्रोटीन उत्पन्न करने के लिए पौधों को नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, वे नाइट्रोजन को इस रूप में प्राप्त करते हैं, मृदा में विलेय रूप में नाइट्रेट लवण। कृषि का इतिहास इसके शुरुआत में विकसित हुआ नवपाषाण युग। उत्तराखंड में वन अग्नि इसका उदाहरण है, तेज दहन। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीट के पालन को कहते हैं रेशम उत्पादन या सेरिकल्चर। कुएं से पानी निकालने के लिए रस्सी को खींचा जाता है। उस कथन का चयन कीजिए जो कायंतर के बारे में गलत है। अंडा सीधा एक जीव से उन्हीं विशेषताओं के साथ जो एक वयस्क में होते हैं, यह कथन गलत है। बाकी तीनों कथन सही है। जैसे अंडे से वयस्क का परिवर्तन, अंडा सीधा एवं जीव से, ये गलत है। वह विभिन्न चरणों से गुजरता है, हर चरण के विकास की विभिन्न विशेषताएं हैं। राइजोबियम क्या है? यह वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करता है और फलीदार पौधों की जड़ों में पाया जाता है। ब्रेड टोस्टर के टूटे हुए हैंडल को बदलने के लिए आप निम्न में से कौन सा पदार्थ पसंद करेंगे? लकड़ी।
गर्म पानी का तापमान इस उपकरण के प्रयोग से मापा जाता है, प्रयोगशाला थर्मामीटर। वह कौन सा जीव है जो निरंतर अपने आकार और स्थिति को बदलता है? अमीबा। दादी ने फलों, शक्कर, गेहूं, खमीर को मिश्रित करके वाइन बनाई। वाइन की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए वह उसे जोर से कसकर बंद कर देती है। क्या आप इसका कारण बता सकते हैं? अल्कोहल के निर्माण के लिए खमीर अवायवी श्वसन करता है। विभिन्न घटक जो जेली प्रकार के पदार्थों में कोशिका, झिल्ली और केंद्रक के बीच उपस्थित रहते हैं, कोशिका अंगक। सभी 7 वर्षों जीवाश्म ईंधन को जलाने से ओजोन परत का अवक्षय होता है, ओजोन परत का अवक्षय होता है और विश्वव्यापी तापक्रम होता है, ध्रुवी हिम मच्छद गलन होता है। इसमें आंसर बी और सी सही है। कौन सी परत हमें सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाती है? ओजोन परत। मांसपेशियों की नली जिसके माध्यम से संग्रहित मूत्र बाहर शरीर से बाहर किया जाता है उसे कहते हैं मूत्र मार्ग या यूरेथ्रा। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए क्या करना चाहिए? मोटर वाहनों को प्रभावशाली सर्वसामक प्रयोग किया जाना चाहिए, सड़कों के किनारे वृक्ष लगाने चाहिए, लाउडस्पीकर एवं शोर उत्पन्न करने वाले संगीत वादकों पर प्रतिबंध करनी चाहिए। निम्न में से कौन विद्युत चालक नहीं है? आसुत जल विद्युत चालक नहीं है, बाकी नल का जल, लवण विलयन, अम्लीय जल ये सब चालक हैं। मछुआरे जिन्होंने पर्याप्त मात्रा में समुद्र मछली खाई है, आमतौर पर उनमें थायरोक्सिन की कमी नहीं होती, कारण बताइए। मछली, समुद्री मछली आयोडीन का एक अच्छा स्रोत है। जिमनास्ट अपने हाथों पर कुछ मोटे पदार्थ लगाते हैं घर्षण बढ़ाने के लिए। खमीर कोशिका से छोटा बल्ब की तरह बाहर निकला हुआ भाग कहा जाता है कली या बड। वस्तु को विरामावस्था से गतिशील करने के लिए आवश्यक बल का एक माप संस्तर है स्थैतिक घर्षण। स्थैतिक घर्षण। शक्ति संयंत्र में कोयले के दहन के द्वारा निम्न मुख्य प्रदूषक उत्पन्न होता है SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। भूमि में जल के रिसाव द्वारा भूमजल में फिर से प्राप्त होता है, इस प्रक्रिया को कहते हैं अंतःसंयोजन या इन्फिल्ट्रेशन। सभी जीवित प्राणियों के लिए ऊर्जा परम स्रोत सूर्य है, सौर ऊर्जा को किसके द्वारा पकड़ा जाता है? पर्णहरित वर्णक द्वारा। अनाज के बीजों का भूसे से पृथक्करण कहलाता है फटकना। नीचे दी गई सूची से मिश्र धातु को पहचानिए। 2 न्यूटन और 50 न्यूटन परिमाण के बल का एक वस्तु पर समान दिशा में कार्य करते हैं, परिमाणी बल का परिमाण है 150 न्यूटन। अंतः श्वसन के दौरान पसलियां बाहर की ओर जाती है। यदि ध्वनि तरंग के आयाम को दोगुना कर दिया जाए तो यह तरंग की तीव्रता को किस तरह प्रभावित करता है? तीव्रता 4 गुनी हो जाती है। एक समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब की प्रकृति होती है, आभासी, ऊर्ध्वशीर्षी, पार्श्विक, अधोशीर्षी आदि। गर्मियों में टेलीफोन के तार आनमन हो जाते हैं, इसका कारण है ऊष्मा के कारण प्रसारण। ओजोन छिद्र किसकी अधिकता के परिणाम से है? CFC के उपयोग से। वे जीव जो पौधों द्वारा निर्मित भोजन ग्रहण करते हैं कहलाते हैं परपोषी। पौधों द्वारा संश्लेषित भोजन निम्न रूप में संचित रहता है, मंड। पत्तियों में स्टोमेटा छिद्र होते हैं जो द्वार कोशिका से घिरे रहते हैं, वे निम्न कार्य करते हैं, गैसों का विनिमय, प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन। लीला ने अवलोकन किया कि साफ पानी का एक तालाब सप्ताह भर भीतर ही शैवाल से ढक जाता है, जिन
जनन किस विधि द्वारा शैवाल इतनी तेजी से प्रसारित हुए? विखंडन। ये निर्देश दिया जाता है परिक्षेत्र के खुले सिरों को कुछ सेकंड से अधिक नहीं छोड़ा जाना जोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि वरना बैटरी का प्रकोष्ठ बहुत जल्दी खाली हो जाता है। निम्न गलनांक वाले धातु का प्रयोग इससे बनाने में किया जाता है? फ्यूज। आवृत्ति को व्यक्त किया जाता है हर्ट्ज में। एक वस्तु पर लगने वाले बल को मापने के लिए इस यंत्र का प्रयोग किया जाता है कमानी द्वार तुला। एक कोण जिसका माप 180 से अधिक है कहलाता है प्रतिवर्त कोण। हैजा, टाइफाइड, पीलिया उन रोगों के अभिजात उदाहरण हैं जो फैलते हैं दूषित जल से। ब्लैक गोल्ड का पर्याय है पेट्रोलियम। फसल से आप क्या समझते हैं? एक ही स्थान पर बड़ी मात्रा में समान प्रकार के पौधे उगाए जाते हैं और कृषि होती है। ड्रमस्टिक के दूतगामी बीज और मदार के रोएदार बीज दूरस्थ क्षेत्रों में इनके द्वारा ले जाए जा सकते हैं वायु द्वारा। भवन की नींव एक बड़े क्षेत्र पर रखी जाती है क्योंकि क्षेत्र में वृद्धि करने से बल का प्रभाव कम हो जाता है। जल के विद्युत अपघटन के दौरान कैथोड पर बनने वाले गैस के बुलबुले हाइड्रोजन के होते हैं। वह अवस्था जब महिला मनुष्य शरीर पुनरुत्पादन के समर्थ हो जाती है यौनारंभ। कुछ तालाबों के ऊपर हरे रंग का आवरण होता है यह शैवालों की उपस्थिति के कारण। हर शुक्राणु एक सिर मध्य भाग एवं एक पूंछ होती है। पूंछ का क्या उद्देश्य है? गति कर अंडे तक पहुंचना। सोना, चांदी और प्लेटिनम जैसे धातु इसके रूप में पाए जाते हैं मुक्त धातु। ठोस में सामान्यतः ऊष्मा का स्थानांतरण इस प्रक्रिया द्वारा होता है चालन। हवा, पानी और सूर्य प्रकाश की कार्रवाई से चट्टानों के टूटने की प्रक्रिया को कहते हैं अपक्षयण। भविष्य की ट्रेन मैगलेव ट्रेन जापान में टोक्यो के पास ट्रैक के खंड पर चलती है। चलने के दौरान यह ट्रैक के कुछ सेंटीमीटर ऊपर उठ जाती है। इसका कारण है चुंबकीय बल। प्लास्टिक की कंघी सूखे बालों में रगड़ने के बाद कागज के टुकड़ों को आकर्षित करती है। इसका कारण है स्थिर विद्युत बल। विज्ञान की शाखा के जो सूक्ष्म जीवियों के अध्ययन से संबंधित है माइक्रोबायोलॉजी सूक्ष्म जैविकी। दूध को 70 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने के बाद जब उसे अचानक तुरंत द्रुत शीतन कर दिया जाए तो उसे क्या कहते हैं? पाश्चुरीकरण। ए क्षितिज में ऊपरी मृदा सामान्य रूप से रंग में गहरी होती है क्योंकि इसमें धारण और खनिज अधिक होता है। मोटर गाड़ियों के पहियों एवं संवाहक पट्टों में प्रयोग की जाने वाली बाल बेयरिंग परिवर्तित करती है सर्पी घर्षण को बेलन घर्षण में। श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभाजित होता है इसके द्वारा प्रिज्म के द्वारा। MCB स्विच होते हैं जो कि स्वचालित रूप से बंद हो जाते हैं जब परिपथ में विद्युत धारा सुरक्षा सीमा से अधिक होती है। रात के दौरान भूमि से समुद्र की ओर ठंडी हवा की आवाजाही लैंड ब्रिज या स्थल समीर कहलाती है। जैव गैस का निर्माण भुक्त शेष जल द्वारा किसकी सहायता से होता है? अवायवी जीवाणु। पौधे, पशु के अंग छोटे भागों का नाम है ऊतक। पुष्प के पराग कोष से स्टिग्मा में परागकणों का स्थानांतरण कहलाता है निषेचन। सुपोषण इसका परिणाम है जल प्रदूषण का। हाल ही में हमारे देश के कुछ भागों में बहुत भूस्खलनों की सूचना दी गई। इसके पीछे कारण है वनोन्मूलन। फ्यूज एक सुरक्षा उपकरण है जो एक तार से बना होता है जो इससे बनी एक निम्न गलन धातु या मिश्र धातु का होता है। अचार में तेल और सिरका का प्रयोग इसलिए होता है कि दोनों सामग्रियां रोगाणुओं के लिए एक प्रतिकूल माहौल बनाती है। एक पॉलिश किया हुआ सतह है ऊष्मा का बुरा अवशोषक एवं बुरा विकिरक। स्पोर उत्पादित करने वाला पौधा है फर्न। ऊर्जा का अप्रदूषित एवं परिमित साधन है धूप।
सनलाइट। सेल शब्द किसने निर्मित किया? रॉबर्ट हुक। कोशिका की खोज। अप्रिय ध्वनि कहलाती है शोर, नॉइस। भूमंडलीय ऊष्मीकरण ग्रीन हाउस गैस के कारण होती है। मुख्य ग्रीन हाउस गैसें हैं मेथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। उर्वरक क्या है? उर्वरक रासायनिक तत्व है जिसमें विशेष पोषक तत्व अधिक होते हैं। पौधे अपने पत्तों से जल खोते हैं, इस प्रक्रिया को कहते हैं प्रस्वेदन। प्राचीन काल के समय मापन उपकरणों में से कुछ है धूप घड़ी, रेत घड़ी, जल घड़ी आदि। एक पिन होल कैमरा द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब का आकार एवं प्रकृति इनमें से कैसा होता है? वास्तविक, उल्टा एवं ह्यासित। जल में जलमग्न एक वस्तु वायु की अपेक्षा कम वजनी प्रतीत होती है क्योंकि जल वस्तु पर एक ऊर्ध्वबल लगाती है। BOD संकेतक है जल प्रदूषण का। फास्फोरस एक अत्यंत क्रियाशील अधातु है, वह कौन सा द्रव है जिसकी आवश्यकता फास्फोरस के संग्रह में पड़ती है जिससे इसकी और वायु के ऑक्सीजन की अभिक्रिया को रोका जा सके? जल। जल के अंदर फास्फोरस को रखा जाता है। अत्यधिक व्यायाम के दौरान हमारे पैरों में ऐंठन हो जाती है, इसमें लैक्टिक अम्ल का जमाव हो जाता है मांसपेशियों में। संश्लिष्ट तंतु जो एक रासायनिक द्रव्य की पुनर्वर्ती मात्रा में बना होता है, नायलॉन। वनोन्मूलन इनमें से किसका प्रमुख कारण है? वातावरण में CO2 की मात्रा में वृद्धि। अगला है लड़की का गुणसूत्र विन्यास क्या होगा? 22 युग्म प्लस XX। पर्वतारोही ऊंचे स्थानों पर नाक से रक्त स्त्राव होते हैं क्योंकि वायुमंडल दाब हमारे शरीर की तुलना में काफ़ी कम होता है। अंडे देने वाले पक्षियों को क्या कहते हैं? अंडज। वैक्सीन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? वैक्सीन के बारे में यह कथन असत्य है कि सभी रोगों के लिए एक वैक्सीन सामान्य या समान होते हैं। जठर नाल का कौन सा भाग जीवाणु को मारने में शामिल होता है? अमाशय। वायुमंडल में CO2 की मात्रा में वृद्धि से क्या हो सकता है? ग्रीन हाउस प्रभाव। घर्षण निर्भर करता है पृष्ठ की प्रकृति पर। यदि गाड़ी उत्तर पूर्व दिशा में चल रही है तो घर्षी बल की दिशा होगी दक्षिण पश्चिम। अक्टूबर से मार्च तक उगने वाली फसलें जानी जाती है रबी की फसल। प्रास्रव्य इनमें से क्या है? 20,000 हर्ट्ज से ऊपर आवृत्ति की ध्वनियाँ। यदि ध्वनि के उत्पादन में कंपन का आयाम दुगना बन जाता है तो ध्वनि की प्रबलता 4 कारकों से बढ़ जाती है। निम्न में से किस एक की चक्रवात से प्रभावित होने की संभावना नहीं है? अमृतसर, चेन्नई, मंगलोर और पुरी में चक्रवात आ सकते हैं क्योंकि ये तट के किनारे हैं, कोस्टल एरियाज हैं। मृत जीवियों में पाचन है अतिरिक्त कोशिकीय। वह प्रतिबिंब जिसे आवरण पर रोका जा सकता है कहलाता है वास्तविक प्रतिबिंब। भूकंप द्वारा उत्पादित तरंगों का प्रकार क्या है? भूकंपी तरंगे। विलयन से विद्युत धारा का संक्रमण इसका कारण बनता है रासायनिक प्रभाव। एक गीली सड़क पर मोटर कार फिसल जाती है क्योंकि पानी और सड़क टायर के बीच घर्षण कम कर देता है। ऊन कटाई इसकी प्रक्रिया है ऊन को हटाना। दांत के दूसरे समूह का नाम बताइए जो दूध के दांत को प्रस्थापित करते हैं, स्थायी दांत। मनुष्य के फेफड़े छोटे वायु कोशों से बने होते हैं, इन्हें वायुकोष्ठिका या एल्वोली कहा जाता है। हरी पत्तियां और हरे युवा तने भी सूर्य प्रकाश की ऊर्जा में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ खाद्य तैयार करते हैं। यह प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। पौधों का कौन सा भाग प्रकाश संश्लेषण के लिए वायु से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है? पत्तियों के रंध्र।
श्याम राम ने अपने शरीर के तापमान मापा, 98.6 एवं 37 डिग्री सेल्सियस पठन किया। प्राप्त निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? दोनों शरीर का तापमान सत्य है। गर्म भोजन एल्युमिनियम पन्नी में पैक करने पर लंबी अवधि के लिए गर्म रहता है क्योंकि यह ऊष्मा को परावर्तित करता रहता है एवं भोजन को गर्म रखता है। एक जलती हुई माचिस कागज के टुकड़े को जला देती है लेकिन लकड़ी के टुकड़े को नहीं। इस कारण होता है कि लकड़ी का प्रज्वलन ताप कागज से अधिक होता है। सर्वाधिक जल धारण क्षमता इसमें उच्चतम होती है, मृण्मय या कैली सॉइल। खरपतवार को क्षेत्र से दूर करने का तरीका और साधन है जीव जो सरल प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्ची सामग्री का उपयोग कर अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें कहते हैं स्वपोषित। खरपतवार को दूर करने का तरीका है क्षेत्र में फसल बोने से पहले क्षेत्र को इसके बीजों को बीज वपत्र द्वारा हटाए। खिलाड़ियों द्वारा पहने गए खेल जूतों में कील होते हैं स्पाइक्स ताकि घर्षण अधिक हो एवं गति तेज करने में सहायता करे। रमेश को भोजन विषाक्तता के कारण अस्पताल में भर्ती किया गया, इसका क्या मतलब है? खराब भोजन खाने से जिसमें रोगाणु विषाक्त पदार्थ शामिल थे। ऊनी उद्योग में वे कर्मचारी जो छटाई कार का कार्य करते हैं वे कभी कभी सार्टर रोग से पीड़ित हो जाते हैं। यह इसलिए होता है क्योंकि वे एक जीवाणु से संक्रमित होते हैं, एंथ्रेक्स बेसिलिस एंथ्रेसिस सार्टर रोग का कारण है। जो निम्न में से कौन शुद्ध स्वरों की ध्वनि उत्पादित कर सकता है? स्वरित्र, द्विभुज, पोषक तत्वों का अवशोषण तथा रक्त एवं ऊतकों के बीच श्वसन संबंधी गैसों का आदान प्रदान इसमें होता है कोशिकाओं में। रिसने वाले पाइप से पानी के फव्वारे बाहर निकलते हैं क्योंकि तरल पदार्थ दाब डालते हैं। कंठमणि क्या है? यौनारंभ, पुरुषों के कंठ का विकास। सुरक्षा उपकरण जो विद्युत परिपथ को नुकसान से बचाता है, फ्यूज और MCV। निम्न में से किसका प्रयोग निकट दृष्टि दोष को सही करने के लिए किया जाता है? अवतल लेंस। CO एक अत्यधिक जहरीली गैस है क्योंकि यह रक्त की ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता कम कर देती है। मृदा संरक्षण के मापों का उद्देश्य मुख्यतः इसकी रक्षा करना ऊपरी मृदा की, टॉप सॉइल। CNG का पर्याय है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। जब हम पौधों को गमले में उगाते हैं तब हम अक्सर ईंट के टुकड़े या खुरदुरी रेत सबसे नीचे की सतह पर डालते हैं। इसका कारण यह अतिरिक्त पानी को बाहर करती है और जड़ों को सांस लेने में सहायता करती है। शीला एक ऐसा उपहार खरीदना चाहती थी जिसे जानवरों को बिना मारे जानवरों के तंतु से बनाया गया हो। निम्न में से कौन सा उपहार लेना उपयुक्त होगा? ऊनी शाल। निम्न में से कौन सा एक रक्त का कार्य नहीं है? कट जाने या घायल होने पर रक्त का थक्का बनने से रोकना। पौधों की हरी पत्तियां खाद्य कारखाने हैं। यह वर्णक एवं अंतर्विष्ट करती है जो सूर्य प्रकाश से ऊर्जा के पय ग्रहण में सहायता करते हैं। इसे कहते हैं पर्णहरित। कबड्डी खिलाड़ी खेल शुरू होने से पहले मिट्टी से अपने हाथों को रगड़ते हैं ताकि घर्षण बढ़े। कौन सी प्रक्रिया पौधों को पत्तियों द्वारा रंध्र अतिरिक्त जल हटाने में सहायता करती है? वाष्पोत्सर्जन द्वारा। पानी पीने के योग्य शुद्ध जल स्वस्थ जल है, ताज़ा जल। गर्म करने पर सबसे अधिक प्रसारित होता है गैसेस। गति करते हुए साइकिल के पहिए एक उदाहरण है पृथ्वी गति का। वायुयान एवं पानी के जहाज धारा रेखित डिजाइन पर बने होते हैं। ऐसा किया जाता है घर्षण को
न्यूनतमीकरण करने एवं ऊर्जा को बचाने के लिए। उस ऊतक का नाम बताइए जो पत्तियों से भोजन को ग्रहण कर संग्रह अंगों तक पहुंचाता है, पोषवाहक या फ्लोएम। तांबे के विद्युत अपघटनी शुद्धिकरण में बैटरी का धनात्मक सिरा किससे जुड़ा होता है, अशुद्ध तांबे की मोटी प्लेट से। एक बच्चे ने सप्ताह में अपने लंच बॉक्स में सैंडविच छोड़ दिया। जब उसने 2 दिन बाद बॉक्स खोला तो उसने पाया कि ब्रेड की सतह पर सफ़ेद फफूंदी आ गई। यह कारण कवक के विकास के कारण हुआ है। नर और मादा युग्मक के संलयन की प्रक्रिया को कहा जाता है निषेचन। मनुष्यों में अंडाशय से अंडाणु मोचित होता है महीने में एक बार। दिल्ली मेट्रो अभिगमन हेतु प्रयोग ने वायु प्रदूषण को कम करने में मदद की, इस क्योंकि वह इस पर विद्युत से चलती है। लोहे के स्टैंड को जुड़े हुए लैंप के साथ उससे कपास, पटसन, ऊन और नायलॉन के समान लंबाई के धागे एक बार में लटकाए गए। धागे एक दूसरे से पलड़ा जोड़ा गया जिसमें भारों को रखा जाता है। भारों को एक एक करके धागा टूटने तक जोड़ा गया। कौन सा धागा आसानी से नहीं टूटेगा, नायलॉन का। लाइकेन में दो निकटता सम्मिलित जीव परस्पर लाभान्वित होते हैं, शैवाल और कवक। परजीवी पौधे को पहचानिए, अमरबेल। पोषण की वह विधा जिसमें जीव मृत और क्षयमान पदार्थों को विलयन के रूप में पोषण संग्रहण करते हैं कहलाती है मृत जीवी पोषण। उस गैस का नाम बताइए जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान विकसित होती है और जीवित जीवों द्वारा उनकी उत्तरजीविता के लिए प्रयुक्त की जाती है, ऑक्सीजन। घर्षण का बल अधिक होता है यदि एक रुक्ष पृष्ठ सम्मिलित हो। किसी वस्तु पर विकसित आवेश जब उसे किसी उपयुक्त पदार्थ के साथ रगड़ा जाएगा, स्थिर आवेश। रेशम उद्योग से संबंधित शब्द का चयन कीजिए, सेरिकल्चर या रेशम कीट पालन। जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत है कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। विद्युत उद्योग की उपयुक्त जोड़ी का चुनाव करें, जल एवं वायु। पीने के पानी को मिट्टी के बर्तन में रखने पर पानी ठंडा होता है। बर्तन में बहुत सूक्ष्म छिद्र पानी अंतःस्रवण और वाष्पन करते हैं। किशोरों को वयस्कों के मुकाबले पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम वाले भोजन की सलाह दी जाती है, हड्डी की घनत्व बढ़ाने के लिए। गर्भाशय महिला प्रजनन प्रणाली का एक हिस्सा है, इसका कार्य बच्चे का विकास करना। परिपक्व अंडाशय का निम्न निर्माण करता है फल का। एक दर्पण द्वारा प्रकाश के मार्ग की दिशा परिवर्तन कहा जाता है परावर्तन। अग्निबल विभाग के अग्निशामक पुरुषों की वर्दी पर बहुलक पदार्थ की परत होती है, अग्नि से बचाती है। मेलामाइन प्लास्टिक की परत, यह टाइल्स के ऊपर भी होती है। कोशिका झिल्ली के ऊपर का अतिरिक्त आवरण जो किसी वनस्पति में दृढ़ता प्रदान करता है, कोशिका भित्ति। एक कांच के गिलास को पकड़ना मुश्किल है यदि उसका बाहरी पृष्ठ चिकना हो, क्योंकि यह घर्षण कम करता है। तेज वेग की इन वायु क्षेत्रों में चक्रवात ला सकती है, कम दाब क्षेत्रों में। कीट के शरीर में वायु ट्यूबों का जाल श्वसन में मदद करने के लिए होता है, वह कहलाता है श्वास नली। बाह्य निषेचन इसमें उत्पन्न होता है मछली में। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, विद्युत आवेशों का प्रवाह विद्युत धारा का निर्माण करता है। अचानक झटकों द्वारा किन फलों के टूटने से कुछ बीज दूर बिखर जाते हैं, गुल मेहंदी। खाद को कैसे तैयार किया जाता है, वो पौधों और जानवरों के अवशिष्ट को गहरे गर्त में संग्रह किया जाता है, उसे अपघटित होने दिया जाता है। क्षुद्रांत द्वारा अवशोषित रक्त द्वारा कोशिकाओं में स्थानांतरित ग्लूकोज का क्या होगा, CO2 में टूट जाएगा और ऊर्जा उत्सर्जित करेगा। निम्न में से कौन भूकंप के बाद प्रभाव नहीं हो सकता, त्वरित। अतिसार का कारण बताइए, संक्रमण, विषाक्त भोजन, अपच। पक्षियों, मछलियों को सदैव जल में संचलन करना पड़ता है, इसलिए उनका शरीर आकार इस तरह विकसित होता है कि घर्षण पर काबू पाने के लिए कम ऊर्जा खोए।
संगमरमर का एक टाइल्स लकड़ी की टाइल्स की तुलना में अधिक ठंडा महसूस होता है क्योंकि संगमरमर टाइल्स उष्मा परिवर्तित अधिक करता है। हमारे घरों में प्रयुक्त माचिसों में एक रसायन होता है, माचिस की तीली के एक सिरे अंतर्विष्ट होते हैं एंटीमनी ट्राइसल्फाइड एवं पोटेशियम क्लोरेट से। हर्माफ्रोडाइटस के दो उदाहरण हैं केचुआ और जोंक। निःश्वसन के दौरान प्रमुख घटनाओं को चुनिए। डायफ्राम चपटे हो जाते हैं, पसलियाँ ऊपर उठती, फेफड़े फैल जाते हैं। ध्वनि तरंगे क्या है? उस माध्यम पर निर्भर करता है। देशांतरी तरंगों को ध्वनि तरंगे कहते हैं। श्वेत प्रकाश बना है 7 रंगों से। पौधे जिनमें स्वपोषित परपोषित दोनों पोषण विधा है, घटपर्णी वीनस ट्रैप पौधे, सनड्यू पौधे आदि। रेशम प्रोटीन से बना एक संश्लेषित तंतु है। यंत्रों के चलित पुर्जों में स्नेहक जैसे तेल ग्रीस अलेपित इसलिए करते हैं ताकि घर्षण कम हो। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो, व्यापम विज्ञान सामान्य विज्ञान भाग 3। आपको कैसा लगा हमें कमेंट में लिखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैं और अधिक वीडियो ला सकूँ।